बैक साइड पे आप देखते हैं ये ब्लू मॉस्क है, ये सुल्तान महमद ने ये भी बनाई थी। ये बिल्कुल हाया सोफिया के बिल्कुल अपोजिट साइड पे है, उसने बनवाई थी ताकि ईसाई लोग और मुसलमान लोग इकट्ठे होकर रहें, वो अपनी जगह पे इबादत करें, मुसलमान अपनी जगह पे इबादत करें। बहुत ही प्यारी है, 6 मीनार हैं इसके। थोड़ी सी कहते हैं कि हिस्ट्री में कहते हैं कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जो जिन लोगों ने ये बनाई थी और जो सुल्तान ने हुक्म दिया था। सुल्तान ने हुक्म दिया था कि इसके सारे जो पिलर्स हैं ये गोल्ड के बनाने थे उन्होंने, लेकिन जिन्होंने बनाई थी उनको शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। उन्होंने इसके शायद उन्होंने सोचा होगा, सुल्तान ने कहा है कि 6 मीनार बनाने हैं। ये शुरू पे इस पर तनकीद भी हुई थी कि सुल्तान ने 6 मीनार जो बनाए हैं वो मक्का का जो टावर्स हैं उधर भी 6 मीनार ही बने हैं, लेकिन बाद में उनको साथ कर दिया गया था और इसी वजह से सुल्तान पे जो है ना बहुत तनकीद हुई थी। बहुत प्यारी मस्जिद है, ब्लू मॉस्क भी इसे कहते हैं, सुल्तान महमद की मॉस्क भी कहते हैं। अभी आपको अंदर से जाके मैं विज़िट करवाता हूँ। माशाल्लाह देखें इधर, ये छोटे छोटे स्नैक्स आपको हाया सोफिया और ब्लू मॉस्क के दरमियान में ये आपको मिलते रहेंगे। ब्लू मॉस्क इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आपको नज़र आए इसके जितने भी गुंबद हैं ऊपर सारे ब्लू कलर के हैं, तो इसलिए इसका नाम जो है ना लोगों ने ब्लू मॉस्क रख दिया है। वैसे इसका नाम सुल्तान महमद है। मेन जो मस्जिद है वो इस जगह से स्टार्ट होती है, इधर आपने शूज़ वगैरह उतारने होते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद है, उसी तरह के जिस तरह के हाया सोफिया में नक्शे निगार हुए हैं इसी जगह
इस जगह पे भी उसी तरह जो है ना उन्होंने इसको डिज़ाइन किया और कारीगरी की है अपनी। और एक और बात, ये जिस तरह आया सोफिया में बड़े बड़े नाम लिखे थे ना, ये देखें अल्लाह मोहम्मद, ये अबू बकर, उमर, ये देखें सेम उसी डिज़ाइन के ये सारे नाम लिखे हैं और उसी तरह का ये टॉम बना हुआ है बड़ा ऊपर। और ये मस्जिद में अजान देने वाली जगह, इधर देखें हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लिखा हुआ है। और पिलर्स के साइज देखें और उस पर कारीगरी देखें, डिज़ाइनिंग देखें उसकी, माशाल्लाह।